नगर में एक राज दरबार था। एक दिन उस दरबार में चोरी हुई। चोर वहाँ से पूजा का बर्तन लेके भाग ही रहा था, तभी उसे शेर ने दौड़ाया। चोर शेर के डर से चोरी का सामान वहीं छोड़ गया। और कुछ देर बाद दो बंदर वहाँ से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा। देखो ना रास्ते पर कितने सामान पड़े हुए हैं। हाँ रे ठीक, तो इतना सामान कहाँ से आए रास्ते पर बताओ तो। चलो चलो चलकर देखें तो वहाँ पर क्या क्या सामान पड़ा है। हाँ हाँ चलो चलो देखें तो क्या है वहाँ पर। अरे देखो तो यह कितना सुंदर है। क्या है देखो तो। अरे देखो तो हिलाने से सुंदर आवाज आती है। हाँ कितना सुंदर है, चलो इसे ले चलते हैं और साथ में मिलकर इसे खेलेंगे। हाँ चलो ले चलते हैं, लोगों को दिखाएंगे, यह बहुत नया चीज है। हाँ ठीक बोले हो, चलो चलो चलते हैं। उसके बाद जंगल में एक पेड़ पे बैठ के दोनों बंदरे घंटी बजा के खेलते हैं। उस घंटी से आवाज निकलती है और उस जंगल के पथ से जो भी जाता है उस घंटी का आवाज सुनता है। अरे सुनसान जंगल में कहां से आवाज आ रही है, यह तो आश्चर्य की बात है, यहां तो कोई नहीं है। ना जाने मुझे क्यों बहुत डर सा लग रहा है, चलते हैं या भागेंगे यहां से। ऐसा ही घटना बार बार घटता रहता है। इसी तरह घंटी की आवाज सुनके वहां से सब भाग जाते हैं और गांव में शोर मच गई कि जंगलों में भूत है। और एक दिन, अरे जानो कल जंगल के रास्ता में बाजार से आते समय मैं टुंटंग की आवाज सुना था। ठीक कहते हो, कुछ दिन पहले आते समय मैं भी ऐसी आवाज सुना था। हाँ वैसा ही तो सुना जा रहा है, जो भी उस रास्ते से जाता है टुंटंग की आवाज जरूर पाता है। क्या बात है, सभी डर रहे हैं, भूत बोलकर संदेह कर रहे हैं, कोई उस रास्ते से नहीं जा रहा है इस समय। ये बात राजा को जरूर बतानी होगी और इसका कुछ समाधान कर सकेंगे। ठीक है ना। हाँ ठीक, राजा को बताना उचित है। महाराज एक समाचार है, जंगल के रास्ते में भूतों का डेरा हुआ है, कुछ करे, कोई उस रास्ता से नहीं जा रहा है। डर लगती है, डर जाने के लिए वही एक रास्ता है। हम लोग बहुत समस्या में है, इसका कोई समाधान निकाले महाराज। ऐसी बात है, क्या होता है उस रास्ते पर जाने से, जो भी उस रास्ते से जाता है टुंग टांग की आवाज सुनता है, सबकी चारों ओर सुनसान रहता है, रास्ते में कोई नहीं है। अच्छा विचित्र बात है, तो मंत्री पूरे राज्य में घोषणा करवा दो, जो भी इस भूत को पकड़ेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। अच्छा महाराज जो आज्ञा। इसके बाद मंत्री सिपाहियों को भेज के गांव में सूचित कर दिया कि सुनो जंगल के रास्ते में जो भी भूत के उपद्रव को शांत कर देगा राजा उसे पुरस्कार देंगे। सारे गांव वासियों में से एक बुढ़िया थी जो बहुत ही साहसी थी, उसमें डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो जाके राजा के पास बोली, महाराज मैं भूत भगा सकूंगी। ऐसी बात है न क्या, आपकी उम्र तो अधिक है, डर नहीं लगेगी। जी महाराज मैं भूत भगाने की तरीका जानती हूँ, मैं भगा सकूंगी। अच्छा बहुत अच्छी बात है, आप जाइए और भूत को भगाइए, आप अगर भूत को भगा देंगी तो मैं पुरस्कार दूंगा। तो फिर मैं चलती हूँ महाराज। हाँ आइए। उसके बाद वो बुढ़िया एक टोकरी केला लेके जंगल में गई। बंदरों ने केला देख के बुढ़िया के पास आ गए। बुढ़िया ने देखा उन बंदरों के पास घंटी था, उसी से आवाज आ रही थी।
तो यही है भूतों का रहस्य, उन बंदरों के पास से कैसे भी करके वो घंटी छीनना ही पड़ेगा। हाँ, ये बंदर केला खाएगा। इतने सुंदर केले हैं तुम्हारे, दोनों हम खाएं? दोनों जी, बहुत दिन हुए केले नहीं खाए। हाँ दूंगी, तुम लोगों के लिए ही तो लाई हूँ केला, उससे पहले वो घंटी मुझे देना होगा, तभी मैं दूंगी केला। ठीक है ठीक है, तब तुम केले दे दो और घंटा ले लो, हम लोग अब नहीं खेलेंगे, इससे हम लोगों का खेला खत्म हो चुका है। हाँ तुम घंटे ले लो और केले दे दो। इसी तरह उस बुढ़िया ने पके हुए केले का लालच देके बंदरों से वो घंटी ले ली और वो घंटी अपने पास रख ली और राजसभा में गई। महाराज मेरा काम खत्म हुआ, भूत अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, मैं उन्हें भगा दी हूँ। हाँ यह तो बहुत खुशी की बात है, आपने भूत को भगाकर बहुत उपकार किया है, यह लीजिए अपना पुरस्कार।